मैं अनिल सकरवाल और अपने कक्षा 12 के सिलेबस चल रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है दृष्टि दोष और उनके निवारण। दृष्टि दोष आंख से संबंधित बीमारियां और उनके जो निवारण है उनके जो इलाज है उनको किस प्रकार से किया जाता है उसमें सबसे पहले लेते हैं नंबर एक लेते हैं वो है दूरदृष्टि दोष। फिर बात करेंगे हम निकट दृष्टि दोष की, फिर बात करेंगे जरा दृष्टि दोष की और फिर बात करेंगे अति बिंदुकता की। यानी चार तरह की प्रॉब्लम जो होती है वो साइटनेस जो होता है वो रहती है जिसमें दूरदृष्टि दोष, इसको लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, फार साइटनेस भी कहते हैं फार, और हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है ऐसी आंख को वस्तु जो है वो दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उल्टा होता है जैसे इनके नाम दिए गए हैं उससे उल्टा प्रोसेस रहता है। भी दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब ये नहीं है भी दूर की प्रॉब्लम है, दूरदृष्टि दोष है इसका मतलब प्रॉब्लम नजदीक की है, दूर का उसको सही दिखाई देता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आती है इसका मतलब क्या है, कब किस स्थिति में आती है। अब निकट प्रॉब्लम है निकट की और निकट का जो बिंदु है वो होता है 25 सेंटीमीटर पर, तो ऐसे में रेटिना पर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना से भी पीछे बनता है, बन जाना चाहिए था यहां लेकिन बनता है और पीछे जाके, ठीक है। कारण क्या हो सकता है इसका जो कारण है वो नेत्र जो गोलक है उसका आकार छोटा हो गया तो उसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो इसमें होता क्या है, पहली सबसे पहली बात तो क्या है दूरदृष्टि दोष है क्या है कि वह आंख या ऐसी आंख जिसे क्या दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट नहीं बनते, ऐसा जो दोष है वो कहलाता है दूरदृष्टि दोष। सबसे पहली बात तो ये। अब इसके अंदर देखो तीन बातें पूछी जाती है कि है क्या दोष, दोष में होता क्या, कारण क्या है, तीसरा इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो दोष ये तो आ गया, अब बात करते हैं कारण, इसके अंदर प्रोसेस क्या है, क्या कारण है कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता, होता क्या है आंख में, क्या प्रतिबिंब बनता किस प्रकार से। जैसे ये हमारी आंख है, ये इसमें लेंस है, ये पक्ष्माभिपेशियां रहती हैं, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, सिंपली थोड़ा शॉर्ट में बना लेते हैं इसको, सिंपल समझ में आ जाएगा। अब यहां है इसका निकट बिंदु सामान्य आंख का, यहां से प्रकाश किरण चलती है और ये जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये बीमार आंख है यानी इसमें आंख में ये प्रॉब्लम है, ये दोष है इस आंख में, वो आंख है। तो इसमें क्या होता है प्रतिबिंब बढ़ना तो यहां चाहिए, ये है रेटिना, लेकिन बढ़ता कहां है, बढ़ता है यहां। तो कारण क्या है, क्यों स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि ऐसे नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना के पीछे बढ़ता है। दो वर्ड यूज करेंगे, पहले और पीछे, पहले का मतलब है रेटिना के आगे, पीछे का मतलब है जहां रेटिना है उसके बाद में पीछे की ओर बढ़ता है। अब बढ़ेगा स्पष्ट कहां बढ़ेगा, स्पष्ट तो यहां बढ़ेगा और बढ़ यहां रहा है तो इस वस्तु जो है यहां जो प्रतिबिंब है उसका क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर हो रहा है यहां और यहां से दिखता नहीं है, दिखता रेटिना से, तो रेटिना से ही संकेत जाते हैं पक्ष्माभिपेशियों के द्वारा द्रक तंत्रिका में, द्रक तंत्रिका के द्वारा माइंड में और माइंड समझता है, तो ये माइंड में जो संकेत जाते हैं वो जाते हैं धुंधले, तो वस्तु भी धुंधली समझ में आती है, साफ इस समझ में नहीं आती है। तो इसका कारण क्या है, कारण क्या है
कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ये कारण है इसका कि वस्तु का प्रतिबिंब पूरा आप डिटेल से आपको लिख लें इसको, वस्तु का प्रतिबिंब शॉर्ट में लिख देता मैं, रेटिना के ऐसी आंख में रेटिना के पीछे बनता है। ये तो है इसका कारण। अब हमें करना है इसका निवारण। दूसरी बात, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसी स्थिति में इस आंख का जो निकट बिंदु है वो होना तो चाहिए सामान्य आंख का 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन ऐसी आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर नहीं होता, तो कहां होता है, इससे थोड़ा पीछे होता है, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर पे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे नहीं होता। प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि निकट बिंदु होना चाहिए कहां, 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर नहीं होता है, ठीक है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर के बाद होता है, इधर होता है, क्लियर। अब आता है इसका निवारण। तो आपको जब भी देखो क्वेश्चन पूछा जाएगी कंपटीशन में, जब नॉर्मल जनरल साइंस में इनका यूज होता है, तो जनरल साइंस में तो सिंपल पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, क्या है जिसमें नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं देता वो दोष है। फिर दूसरी बात पूछ ली जाए बिंदु के बारे में, तो बिंदु कहाँ होता है, ऑप्शन दे दी जाए भाई, इसके 25 सेंटीमीटर से आगे होता है, रेटिना की तरफ होता है, लेंस की तरफ होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर होता है, ज्यादा होता है, या 25 सेंटीमीटर पर होता है, तो ये 25 सेंटीमीटर के इधर होता है, दूर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है इसका निकट बिंदु। फिर पूछ रहे निवारण के लिए, इसके लिए क्या बात है, तो आपको अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में, तो हमें पूरा डायग्राम बना के बताना है, ये रीजन है और ये इसका सॉल्यूशन है, दो चीजें पर फोकस करना है, तीसरा डिजीज हमें पता होना चाहिए क्या है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो, कि अगर इनके बीच की देखो समझ, अगर समझ में आ जाए तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन तो लेंस ही है, भी बाहर एक तो प्राकृतिक लेंस है, उसके बाहर जैसे मेरा लगा हुआ एक लेंस और लग दे बाहर, तो वो क्या करेगा, वो वहां उसको फोकस करेगा, रेटिना पर फोकसित कर देगा रेज को, बस ये करेगा, कैसे करेगा वो हम बात कर लेंगे इसके अंदर। अब देखो दूर जाके फोकसित हो रही है किरणें, पर हम चाहते हैं ये पहले हो, पहले हो, पहले हो, तो ये दोनों किरणें जो जा रही, दोनों रेज जा रही, जब वो थोड़ी पास होंगी तभी तो क्या होगा, तभी तो वो सही जगह जाकर क्या हो जाएंगे, फोकसित हो जाएंगे। तो अब इनको पास करने के लिए क्या करना है, इनको केंद्रित करना है, केंद्रित, केंद्रित का मतलब नजदीक लाना है, नजदीक लाने वाला लेंस कौन सा होता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तर लेंस। तो ऐसी बीमारी में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तर लेंस का। अगर कारण पूछा जाए, ये निवारण पूछा जाए, तो आपको पर्टिकुलर लेंस पता होना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल हम करेंगे सारे डिजीज पढ़ने के बाद में। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उचित क्षमता का, भाई जितनी दिक्कत वैसा लेंस, एक नंबर का, डेढ़ नंबर का, दो नंबर का, ये नंबर बताते हैं, नंबर क्या होते हैं, नंबर पावर होती है, अपने कहते हैं डेढ़ नंबर का लेंस लगाए इसके, डेढ़ नंबर का चश्मा, तो इसका मतलब डेढ़ क्या है, डेढ़ डायप्टर है, वो डेढ़ डायप्टर पावर का लेंस लगा गया है, ठीक है, आधे नंबर क्या है, तो इसका मतलब आधा नंबर क्या है, 0.5 क्या है, 0.5 डायप्टर है, वो क्षमता है। अब इसमें बात करते हैं, इस लेंस के बाहर, ये तो प्राकृतिक लेंस है, इस लेंस के बाहर एक और लेंस लगा देते हैं, वो लेंस इसको क्या कर देता है, इनको जो यहां आ रही थी रेज उनको पहले से ही सेंटर्ड कर देता है, और वो हो सकती यहां आ जाएंगी, यहां आ जाएंगी तो आगे जल्दी सेंटर्ड हो जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अपने ये जो रेज आ रही है इनको, इनका जो फैलाव है कम करना है, कम करना है तो इनको पास करना है, केंद्रित करना है, पास करने के लिए कौन सा लेंस आता है, उत्तर लेंस, क्योंकि उत्तर लेंस में ऐसी प्रक्रिया हम पढ़ते हैं कि ये क्या करता है, ये इनको फोकसित कर देता है, नजदीक कर देता है, ठीक है। अवतल लेंस में हम पढ़ते हैं क्या, कि इससे आएगी प्रकाश किरणें तो ये इनको फैला देता है, तो अगली डिजीज में हम बात करेंगे वो इनको दूर कर देगा, दूर करने की आवश्यकता रहेगी कि वो पहले पहले वो बढ़ जाएगा यहां प्रतिबिंब, हमें क्या करना है, दूर करना है, फैलाना है, तो फैलाने वाला लेंस लगा देगा। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि इनको क्या करना है, केंद्रित करना है, ये केंद्रित करने वाला लेंस है, क्या कहते हैं इसको, अभिसारी लेंस कहते हैं,
और क्या कहते हैं इसको हम, उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसमें उचित क्षमता का जितनी प्रॉब्लम है उसकी जांच करके उस क्षमता का उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो निवारण क्या है, उचित क्षमता के उत्तल लेंस के द्वारा, उचित क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग करके। तो ये वर्ड ध्यान रखना आपको, किसमें कौन सा लेंस लग गया, उत्तल लेंस का प्रयोग करके इस बीमारी से छुटकारा, इस बीमारी का इलाज जो है वो कर दिया जाता है। अब क्या होगा, अब देखो प्रोसेस क्या होगी। ये लेंस, अब यहां क्या किया जाता है, इसके आगे एक लेंस और लगा दिया जाता है जो हम चश्मे में यूज करते हैं। ये लगा दिया एक लेंस और, इसकी क्षमता दूरी के अनुसार जांच कर ली जाती है डॉक्टर के द्वारा। अब यहां से जो प्रकाश किरण अभी भी यहीं से आ रही है, यहीं से आ रही है, ये पहले ही क्या कर देता है इसको थोड़ा सा नजदीक कर देता है। तो यहां से आने से पहले वो थोड़ी पास आ चुकी होती है, उतनी आ चुकी होती है कि यहां से जाने के बाद सीधी रेटिना पे जाए। तो यहां से वो क्या कर देता है इनको थोड़ा नजदीक कर देता है। अब यहां से जाने के बाद में ये सीधी किसके जाती है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। और इस नेत्र के लिए ये क्या महसूस होता है कि ये वहीं से आ रही है जहां से आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी यहां से भी। अगर ये यहां से आती, अगर ये यहां से आती तो इस प्रकार से आती कि ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतिबिंब बना दे, ऐसे बनता है। इस डायग्राम में नहीं बनाना है, जब अपन पूरा डिस्क्राइब करना है इसमें आपको ये बनाना, इसमें बनाना है, इसमें ठीक है। लेकिन अब इसके लिए ये लगाने के बाद में यहां पर क्या लगेगा कि वो वहीं से आ रही है जहां वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या किया गया है, कौन से लेंस का प्रयोग किया गया है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में दिखाई दे रहे हैं कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर बनना होगा, यहां इसका निकट बिंदु, इसको यहां से सही दिखता है, लेकिन यहां से सही दिखता है तो यहां से प्रतिबिंब सही नहीं बनता यहां से, ठीक है। इसलिए बीच में एक लेंस लगा के उसको उस हिसाब से सेट कर लिया जाता है। तो ये है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष की, उसमें भी हमें यही तीन बातें करनी है, दोष का मतलब क्या है, दूसरी बात कारण क्या है, ठीक है, प्रतिबिंब कहां बढ़ता है, और तीसरी बात निवारण क्या है। तो बाकी बातें करेंगे अगले क्लास में, अगला टॉपिक करेंगे।